अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं YouTube चैनल डिफेक्ट 220 और मैं हूँ अब्बास अली। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है अपनी तमाम जो वर्कशॉप्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए लेने जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए किस तरह वर्कशॉप लेनी है। माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे स्टूडेंट्स के, जो बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन्स यानी कि फेस करनी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो बनाकर एक आसान तरीके से आप लोगों को समझा दूं, एक इजी मेथड से बता दूं कि आपने वर्कशॉप लेनी कैसे हैं और माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप को यूज़ किस तरह करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जितनी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं या आप लोगों की जो भी परेशानी होती है उसको बज़रिए वीडियो सॉल्व कर सकूँ। तो चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि आपने अपने प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से एक ऐप है माइक्रोसॉफ्ट टीम, आपने वो डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है तो मैंने जस्ट इसको सिंपल ओपन करना है। आपने डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर आपका इस तरह का जो है इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम देना है, यूज़र नेम वो वाला जो आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बाज़रिए मैसेज आपको सेंड किया है, आपके नंबर पे आया है, वो वाला यूज़र आईडी यहाँ पर आपने वो पुट करना है और उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है। अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला तो आप अपना रीजनल ऑफिस यानी उनको ईमेल करें, अपने रीजनल ऑफिस जो भी आपके जो सिटी बनता है या जो आपका रीजनल ऑफिस बनता है वहाँ पर आप ईमेल करेंगे तो वो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर देंगे, वो वाला यहाँ पर आपने यूज़ करना है। तो जैसे आप साइन इन करेंगे उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि इंटर पासवर्ड, तो पासवर्ड आप वही यूज़ करना है जो यूज़र आईडी आपको यूनिवर्सिटी ने यूज़र नेम आपको यूनिवर्सिटी ने सेंड किया था, उसके बाद उसके नीचे पासवर्ड भी उन्होंने सेंड किया हुआ था, तो वो वाला पासवर्ड आपने यहाँ पर देना है। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने गो इट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप पर आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है। तो अब तक जो भी हमने काम किया अब तक वो यही किया है कि हमने एक माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप पर अपना अकाउंट बनाया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप डाउनलोड की है और उस पर अपना पासवर्ड और जो यूज़र नेम है वो दिया है ताकि हमारा एक अकाउंट बन सके। इसके बाद हम अपने इस पर वर्कशॉप और कोई भी अगर मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस पर कर सकें। तो इसके बाद जितना भी काम है वो LMS पर होगा। इसके लिए आप लोगों को अपने यानी कि गूगल पे जाना होगा, वहाँ पर अपनी जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पर आना होगा। तो यहाँ पर आपने आगाही LMS पोर्टल पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका LMS शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने स्प्रिंग 2022 ऑनलाइन वर्कशॉप माइक्रोसॉफ्ट टीम जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपका जो वर्कशॉप शेड्यूल है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने वर्कशॉप शेड्यूल किसी भी आपने क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर वर्कशॉप जो है आज की डेट में नहीं है, तो आप किसी पर भी एक क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप जो है वो चलता है कि नहीं चलता। तो आप जिस जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है एक ये इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें क्योंकि हम जो है हमारी अभी वर्कशॉप नहीं है तो हम एज आ गेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन एज आ गेस्ट पर आप लोग क्लिक करें। बाद आपने अपना जो नाम है स्कैप नाम वो मेंशन करना है और इस पे यानी कि लॉगिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस तरह आपकी जो वर्कशॉप है वो ज्वाइन होगी, क्योंकि एज आ हम गेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारी जो शेड्यूल है उसमें आज के दिन में वर्कशॉप नहीं है, इसलिए हम एज आ गेस्ट ज्वाइन हुए हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है या आप लोगों को कोई इशू आ रहा है तो वो नीचे कमेंट करके लिख दें, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई करके आप लोगों को बता दूँ। तो थैंक यू वेरी मच।